हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गोंडा के केसरगंज से जो सांसद हैं उन पर एक आरोप लग रहा है कि यौन ब्रजभूषण शरण सिंह और संदीप सिंह ये दोनों बीजेपी के नेता हैं और इन पर एक गंभीर आरोप लगाया गया है यौन उत्पीड़न का। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ को जंतर मंतर पर कुछ लोग धरना पर भी बैठे हुए हैं और एक बात उन्होंने ये भी बताई है कि सबसे ज़्यादा जो रेसलर आते हैं वो हरियाणा से ही आते हैं। संदीप सिंह को उनके पद से हटा दिया गया था लेकिन उसके बाद वो हरियाणा के सीएम मनोहर सिंह खट्टर ने कहा कि सिर्फ आरोप लगा देने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है, इसलिए वो अपने पद पर अभी भी बरकरार है। बाकी ये जांच का विषय है कि आगे क्या कार्रवाई होगी और कैसे होगी, ये सारी चीजें तो जांच का विषय है, लेकिन संदीप सिंह अभी अपने पद पर बरकरार है तो जांच के नाम से ये मामला अभी टाल दिया गया है। और लेकिन सबसे बड़ा मामला ब्रजभूषण शरण सिंह का है जो खुद एक सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको लेकर काफी ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर बीजेपी सरकार पर एक बहुत बड़ा वार हो रहा है और उनको लेकर बीजेपी सरकार को भी बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकर सरकार खामोश भी है और बहुत सारी पंचायतें भी हैं, जो बड़ी बड़ी पंचायतें हैं, पंचायत और किसान पंचायत, ऐसे बहुत से बड़ी बड़ी पंचायतें हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि अब इनके सपोर्ट में बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं, काफ़ी युवा नेता भी आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता भी रेसलर के सपोर्ट में आ रहे हैं। बाकी सारी ये जाँच के विषय हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये तो सारी जाँच के विषय हैं।